हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेट चैनल हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। माई सेल्फ भारती गुप्ता, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आईने की इक्विलिब्रियम, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटिलर्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया। आज इस वीडियो में आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरियस थ्योरीज अबाउट एसिड एंड बेसिस, देन अबाउट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, देन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ एसिड एंड बेसिस, देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बफर सॉल्यूशन एंड बफर एक्शन। सभी टॉपिक्स तो बच्चों हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, तो लास्ट के थ्री टॉपिक्स पीएच, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड बफर सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ, जैसा कि चैप्टर का नाम बताया गया है, दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसा कि H2O, H2O डिसोसिएट है H प्लस और OH नेगेटिव में। तो एक मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, दैट इज़ नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। नाउ, आयनिक इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक कंसेप्ट आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट में वो सभी कंपाउंड्स हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें या जिनको मेल्ट किया जाए, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल के तौर पर NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं या NaCl को मेल्ट कर देते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सभी केमिकल कंपाउंड जिसमें एसिड भी आते हैं, बेसिस भी आते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन भी आते हैं, जो डिसॉल्व करने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो सभी कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं विच डिसोसिएट आलमोस्ट कम्प्लीटली इंटू आयंस, लाइक NaCl। NaCl के अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 100 मॉलिक्यूल NaCl के डिसोसिएट हो जाते हैं 100 Na प्लस आयन में और 100 Cl नेगेटिव आयन में। तो जो सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, नेचुरली उसमें आयंस ज़्यादा होंगे, आयन ज़्यादा होंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। सो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें बहुत सारे एसिड भी आते हैं, बेसिस भी आते हैं, सॉल्ट भी आते हैं, लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोरो। जब भी ये कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किन को बोलेंगे? वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत ही कम मींस लाइक एसिटिक एसिड। अगर हम इनके 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो डिसोसिएट होकर आयन देंगे, बाकी जो 95 मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी स्टेट में रहेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या नाम देंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वहाँ पे आयंस बहुत ही कम हैं, सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। क्योंकि व्हाट इज़ द कोज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आइदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर आयंस ही कम हैं तो नेचुरल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एसिटिक एसिड, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वा सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डाइल्यूशन, दैट इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन. नाउ व्हाट इज दिस ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन? सपोज वी हैव एनी इलेक्ट्रोलाइट लाइक ए बी, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट इनटू ए प्लस एंड बी नेगेटिव आयंस. सपोज इट्स कंसेंट्रेशन इज सी एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स वो आयंस जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो अल्फा हैं, तो सी में से कितने आयंस डिसोसिएट होंगे, सी अल्फा, और बी प्लस कितने होंगे, सी अल्फा, और कितना अमाउंट अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का बच जाएगा, दैट इज सी माइनस सी अल्फा. अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा कि के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. हेयर द प्रोडक्ट्स आर बी प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव अपॉन बी ए. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस इज सी अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव इज सी अल्फा, सो सी अल्फा इंटू सी अल्फा दैट इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इंटू अल्फा स्क्वेयर अपॉन बी ए, बी ए इज सी माइनस सी अल्फा. सो इट कम्स आउट के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन वन माइनस अल्फा. Now, as you know very well, concentration means molarity and molarity is equal to 1 by volume. So, we can put 1 by V instead of concentration. So, the equation becomes K is equal to alpha square upon 1 minus alpha into V. So, this equation is known as Ostwald dilution law, but this equation holds good only for the weak electrolytes. It fails completely when applied to the strong electrolytes. Now, next is what are acid and bases? जैसा कि अभी हमने discuss किया, जितने भी electrolytes हैं वो nature के basis पर तीन तरह की category में divide किए जा सकते हैं. वो acid भी हो सकते हैं, वो bases भी हो सकते हैं, और even वो salts भी हो सकते हैं. नाउ एसिड एंड बेसिस हम लोग 10th क्लास तक भी पढ़ते रहे हैं. इनमें अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. एसिड आर कोरोसिव इन नेचर एंड बेसिस आर सोपी इन टच. तो ये सब डिफरेंसेस आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं. अब है कि हम किसी भी कंपाउंड को देखकर या उसके फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड आउट करें वेदर इट इज़ एसिड और बेस. इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज की. सभी थ्योरी के एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं. तो सबसे पहला हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अबाउट द अर्हीनियस कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज़ अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड? अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी, एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर गिव हाइड्रोजन आयन. एसिड उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर एच आयन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल HCl, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट विल गिव H प्लस प्लस Cl नेगेटिव. सिमिलरली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को भी हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस. हालांकि जो H प्लस आयन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो वाटर के साथ कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बनाता है. लेकिन एक जनरल रिएक्शन के अंदर हम इसको H प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअली ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% डिसोसिएट हो जाता है. एसिड क्योंकि एक वीक एसिड है ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाता, कुछ देर के बाद ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है.
तो ये जो दोनों एसिड्स हैं ये हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये दोनों एसिड्स हैं। जो भी चीज़ एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस को प्रोवाइड करेगी वो सब एसिड कहलाएंगे। सिमिलरली बेस इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हम उन सबको बेसिस बोलते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4OH when dissolve in water get dissociated into NH4 plus plus OH negative. Similarly NaOH when it is dissolved in water it give Na plus plus OH negative. तो जो भी कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करने पर OH आयन दे रहे हैं वो सभी कंपाउंड्स बेसिस कहलाते हैं। NaOH क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है 100% डिसोसिएट हो जाता है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड 100% डिसोसिएट नहीं होता तो वो कुछ देर में अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। तो चाहे वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, सिमिलरली चाहे वो बेस स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिड एच आयन प्रोवाइड करेंगे और बेसिस ओ एच आयन प्रोवाइड करेंगे, ये अर्हीनियस कंसेप्ट है अबाउट एसिड एंड बेस। बट दिस थ्योरी हैज़ नंबर ऑफ लिमिटेशंस। सबसे पहली बात तो हम जब भी किसी चीज़ को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। अगर हम किसी नॉन एक्वस मीडियम में उसको डिसॉल्व करते हैं तो वी कांट फाइंड आउट वेदर इट इज़ एसिड और बेस। सेकेंड लिमिटेशन, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास H और OH नहीं होता, लाइक NH3। NH3 के पास H है लेकिन फिर भी वो एक बेस है। BF3, इसके पास ना H है ना OH है, तो हम कैसे बताएं कि ये एसिड है या बेस है। CO2, SO2, हमें पता है दोनों गैसेस एसिडिक गैसेस हैं लेकिन दोनों के पास नहीं H नहीं है, फिर हम इनके बारे में कैसे कह सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट के लिमिटेशन है, ये सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल है जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस प्रोवाइड करते हैं और या फिर एक्वा सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड करते हैं। तो अर्हेनियस थ्योरी के इस लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए सेकेंड जो कंसेप्ट था एसिड एंड बेसिस के बारे में वो था ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट। Now what is Brønsted Lowry concept of acid and bases? According to the Brønsted theory, an acid is defined as a substance which has a tendency to give proton. But Brønsted ने aqueous medium word को use नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी substance जब water में ही dissolve किया जाए, कोई भी substance जो H plus को donate करता है, proton को donate करता है, वो acid कहलाएगा। Similarly, base is defined as a substance which has a tendency to accept a proton. जबकि अर्हीनियस ने बोला कि बेस उनको बोलते हैं जो एक्वस मीडियम में OH प्रोवाइड करता है, जबकि ब्राउनस्टेड थ्योरी ये कहती है बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एसिड प्रोटोन डोनर कहलाते हैं और बेसिस प्रोटोन एक्सेप्टर कहलाते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, F नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद वाटर gives HF plus OH negative. Here in this case, water donates an HIN, so it will act as a acid according to the Brønsted theory. So it is known as Brønsted acid. As F negative gains an H plus ion from water, as it gains an HIN, so it is known as Brønsted base. So after accepting HIN, it form HF. और वाटर आफ्टर डोनेटिंग एच आई एन गिव्स ओ एच नेगेटिव। नाउ इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स वे में देखते हैं, अगर हम रिएक्शन को इधर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखें अब ओ एच नेगेटिव की जो टेंडेंसी है वो क्या है। ओ एच नेगेटिव की टेंडेंसी एच आई एन को एक्सेप्ट करने की है। तो अगर हम इसको रिवर्स वे में देखते हैं तो OH नेगेटिव H आयन को एक्सेप्ट करके वाटर बना रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड क्योंकि ये H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है सो इट इज़ अ बेस, और ये H आयन को डोनेट कर रहा है सो इट इज़ अ एसिड। तो ब्राउनस्टेड कंसेप्ट क्या कहता है कि जो स्पीसीज H आयन को गेन करता है वो बेस कहलाता है।
और वो एच आयन को गेन करने के बाद एसिड बना लेता है, ये उसका कॉन्जुगेट पार्टनर कहलाता है। अगर ये ब्राउनस्टेड बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस आप नोटिस कर रहे हैं? सिर्फ एच आयन का डिफरेंस है, एच प्लस का। तो एक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड में एच प्लस आयन का डिफरेंस रहता है। सिमिलरली वाटर H2O जो H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है वो एसिड कहला रहा है, और H आयन को डोनेट करने के बाद क्या बना रहा है? वो OH आयन बना रहा है। OH आयन इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो एक सिंपल सी बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एसिड प्रोडक्ट में जाकर बेस बन जाता है और एक बेस प्रोडक्ट में जाकर एसिड बन जाता है। इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, NH3 को जब हमने HCl से रिएक्ट किया इट गिव्स NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। NH3 HCl से H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट इज़ नोन एज ब्राउनस्टेड लोरी बेस। HCl H आयन को डोनेट कर रहा है, सो इट इज़ नोन एज ब्राउनस्टेड लोरी एसिड। अब NH3 H आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? NH4 प्लस। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर कहलाता है। ये बेस है NH3 और NH4 प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड है। सिमिलरली HCl प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद Cl नेगेटिव बन जाता है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर कहलाता है। सो दिस इज ब्राउनस्टेड एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो एक कॉन्जुगेट पेयर के बीच में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है, H प्लस का डिफरेंस रहता है। एक कॉन्जुगेट एसिड ब्राउनस्टेड बेस होता है अगर उसमें H आयन को ऐड कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका ब्राउनस्टेड बेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने H प्लस को ऐड कर दिया। सिमिलरली एक कॉन्जुगेट बेस अगर कॉन्जुगेट बेस ब्राउनस्टेड एसिड बन जाता है अगर उसमें से H प्लस को माइनस कर दिया जाए। ब्राउनस्टेड एसिड में से H प्लस को माइनस कर दिया जाए, तो ब्राउनस्टेड एसिड में से H प्लस को माइनस किया तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको। ये ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट भी कहता है। तो इसका एक एडवांटेजेस ये था कि इसके लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, वाटर जैसे कंपाउंड जिसको हम ना एसिड बोलते हैं ना बेस बोलते हैं वो एक्चुअली एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि जब भी वाटर प्रोटॉन को डोनेट करेगा इट विल एक्ट एज ए ब्राउनस्टेड एसिड, और जब भी वाटर एच आयन को एक्सेप्ट करता है हाइड्रोनियम आयन बना लेता है तो ये किसका काम करता है? ब्राउनस्टेड बेस का। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह एग्जिस्ट करते हैं उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो H2O का जो नेचर है वो क्या है? एम्फोटेरिक नेचर है। नाउ इस थ्योरी का भी अपना एक लिमिटेशन था। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जिनमें एच एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक BF3, AlCl3, जिनके बारे में ब्राउनस्टेड थ्योरी नहीं बता पाती कि वेदर दे आर एसिड और बेस। तो इसके लिए हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज़ अबाउट द लियर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ अकॉर्डिंग टू द लियर्स थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो एसिड कहलाते हैं। एंड बेसिस आर डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो बेस कहलाते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, वेन एवर अमोनिया इज रिएक्टेड विद BF3 इट फॉर्म एन अडक्ट लाइक दिस। In this case, ammonia, because it has a lone pair, and BF3, it is an electron deficient compound, NH3 donates its lone pair to BF3. Donate, rather, it share its lone pair of electron with BF3.
सो अमोनिया अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर रहा है, सो अमोनिया अपने बॉन्डिंग बनाने में दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहा है, सो अमोनिया एक्ट एज अ ल्यूइस बेस, और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, सो BF3 एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड. लाइक इन दिस केस NH3 व्हेन रिएक्ट विद एनी एसिड इट फॉर्म NH4+. तो अमोनिया इसके पास लोन पेयर है और H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो अमोनिया अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इसके साथ शेयर कर रहा है, सो अमोनिया एक्ट एज अ ल्यूइस बेस एंड H+ एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड. सो दीज थ्योरीज अबाउट एसिड एंड बेस दे हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द कंपाउंड इज एसिड और बेस. हम इन तीनों थ्योरीज को समराइज कर रहे हैं. क्या डिफरेंस हमने इन तीनों थ्योरीज में नोटिस किया ये आप लोगों को पता है, एसिड आर सो टेस्टिंग. नाउ अर्हीनियस थ्योरी क्या कहती थी, एनी सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H+ आयन देगा और H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन. तो जो भी चीज़ पानी में हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है वो एसिड कहलाती है, और जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है वो बेस कहलाता है. ये अर्हीनियस थ्योरी थी. ब्राउनस्टेड थ्योरी ये कहती है कि जो सब्सटेंस प्रोटोन को डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है, और जो सब्सटेंस प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है. और ल्यूइस थ्योरी ये कहती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो ल्यूइस बेस कहलाता है. सो इट वाज अ मिस्टेक, इट इज़ ल्यूइस बेस. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. नाउ हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं. तो हम जितने भी कंपाउंड्स हमने अपनी सराउंडिंग में देखते हैं या तो वो एसिडिक नेचर के हैं या फिर बेसिक नेचर के हैं या फिर उनका सॉल्टी नेचर है. तो जो चीज़ एसिड और बेस नहीं है तो वो क्या है, सॉल्ट है. तो एसिड और बेसिस के बारे में हमने पढ़ा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज़ अबाउट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. अभी हम जो टॉपिक पढ़कर आए हमने एसिड और बेसिस के बारे में ये डिस्कस किया कि स्ट्रोंग एसिड या वीक एसिड क्या होते हैं. स्ट्रोंग एसिड उन एसिड्स को बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर 100% डिसोसिएट हो जाते हैं. लेकिन वीक एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं अपने आयंस के साथ, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट नहीं हो सकते. जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है. जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये एच आयन प्रोवाइड करता है, एच आयन वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, और एच आयन को अगर हम हटा दें तो हमारे पास एसिटेट आयन बच जाता है. आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोनियम आयन और एसिटेट आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2. क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है. क्योंकि एक पानी में से अगर कुछ आयन डिसोसिएट भी हो जाते हैं तो पानी की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो हम कॉन्स्टेंट लेते हैं. तो अगर पानी की कंसंट्रेशन को हटा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है Ka. A means acid and this is known as acid dissociation constant. So that is equal to concentration of hydronium ion into concentrate of acetate ion upon the concentration of acetic acid. Ka is a very useful quantity. ये हमें ये बताने में help करती है कि which acid is a strong and which acid is a weak. It is simple obvious. अगर Ka की value ज़्यादा है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो
तो एसिड भी स्ट्रोंग होगा। तो एक सिंपल सी बात हम याद रख सकते हैं कि किसी भी एसिड के लिए के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रोंग एसिड रहेगा, के ए की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी एसिड उतना ही वीक होता चला जाएगा। सिमिलर टर्म है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमने पहले ये एक स्ट्रोंग बेस लिया, स्ट्रोंग बेस हमें पता है कि 100% डिसोसिएशन हो जाता है तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहता। लेकिन अगर हम कोई वीक बेस ले लेते हैं, अगर हम उसको वाटर में डालते हैं, मान लो वाटर से वो एच आयन को ले रहा है, ब्राउनस्टेड लोरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। तो वाटर से एच आयन को एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बना रहा है, BH प्लस प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि ये एक वीक बेस है, ये अपने आयन्स के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम KB इज इक्वल टू B प्लस कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, हेयर द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इज BH प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अपॉन B बेस, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन हमने इसलिए नहीं ला क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। सो दिस KB इज नोन एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे एसिड के लिए हम के ए वर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, के बी। के बी इज़ द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी OH आयन का कंसंट्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमें बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो हम उसकी के बी वैल्यू को देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू रहेगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। So larger KB means strong base because there will be more OH ion. Similarly larger KA means strong acid because there are more H ion concentration. So this is about the acid dissociation constant and base dissociation constant. Next ek term hai ionic product of water. Now what is the meaning of ionic product of water? आप सब जानते हैं कि वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं H प्लस आयन और OH आयन, लेकिन वो डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है बिकॉज इट इज़ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ ही 10^-7 मोल पर लीटर रहता है। अब जितना कंसंट्रेशन H प्लस आयन का होगा उतना ही कंसंट्रेशन OH माइनस का भी रहेगा। तो अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हेयर प्रोडक्ट इज H प्लस आयन इनटू OH आयन अपॉन रिएक्टेंट इज H2O। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके कि वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है तो हम इसको यहाँ से कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दैट इज़ इक्वल टू KW। KW इज़ नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड दैट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। नाउ H प्लस आयन कंसंट्रेशन वो है 10^-7 और OH आयन कंसंट्रेशन भी वाटर में कितना है, 10^-7। सो 10^-7 इंटू 10^-7 इट कम्स आउट 10^-14। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू 10^-14। हाँ, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन बढ़ने से एच आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ने से KW की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। या अगर कोई हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो हमेशा हम कांस्टेंट लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू 10^-14। हाँ, एसिड डालने पर, एसिड ऐड करते हैं अगर हम वाटर में तो H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है।
अगर एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ओ एच आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 10^-14। सिमिलरली अगर हम कोई बेस ऐड करते हैं तो ओ एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली एच आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन दैट मस्ट बी इक्वल टू 10^-14। सो इस टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, हमने वेरियस थ्योरीज पढ़ी एसिड बेसिस और गैस एसिड एंड बेसिस की, और फिर हमने बात की डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स की। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हमने एसिड का पढ़ा, बेस का पढ़ा, और एट लास्ट हमने वाटर का पढ़ा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक टर्म पढ़ेंगे, पीएच, कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।